मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी की ये बात कि जब भी यू नो पिछली बार भी जी रिश्ते वॉल्स पे दे वांटेड कि हम सब यू नो जो एक फैमिलीज अलग अलग फैमिलीज हैं वो सब एक ही कलर में हो. सो हमारी फैमिली का कलर ब्लू है एंड मुझे बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि यू नो सब लोगों को निशा की साड़ीज़ बहुत पसंद है तो आपको साड़ी ही पहननी है. सो आई चोज आई थॉट कि कुछ डिफरेंट करते हैं साड़ी के साथ. सो आई थॉट ऑफ वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. परफॉर्मेंस मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिजी विद वर्क एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स. तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, वो टाइमिंग मैच नहीं हो पाया, बट आई एम नॉमिनेटेड. लाइक आई सेड, इट्स डिजाइन बाय माय स्टाइलिस्ट प्रतीक्षा एंड इट्स कस्टम डिजाइन फॉर मी बाय दिस डिजाइनर आंचल. एंड what do I say, I'm very happy. मैंने उनको दिया ये लुक कि मुझे ये पहनना है और उन्होंने डिज़ाइन किया. लाइक आई सेड कि मुझे बोला गया था कि नहीं निशा की साड़ीज़ यू नो लोगों को बहुत पसंद आती हैं सो आप प्लीज़ साड़ी पहनिए. एंड आई वॉज लाइक नहीं यार साड़ी नहीं. सो आई थॉट लेट्स एड अ ट्विस्ट टू इट एंड दिस इज़ अ साड़ी गाउन. सो आई एम वेयरिंग साड़ी गाउन. सो मैं बैक स्टेज से आई हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ से नहीं आई. और मेरा बहुत मन था कि मैं स्टेज पे चली जाऊँ, दोनों मेरे दोस्त हैं. सो मेरा बहुत मन करता है कि मैं स्टेज पे चली जाऊँ और बोलूँ हाय यार. बट आई एम वेरी हैप्पी. बहुत बहुत अच्छा इवेंट जाएगा, बहुत अच्छी शाम जाएगी बिकॉज ऋत्विक और रवि आर नॉट ओनली ग्रेट एंटरटेनर्स बट ऑल्सो ग्रेट ह्यूमन बींग. सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरा ये फिफ्थ जी रिश्ता अवार्ड है. तो DID सीजन 4 हुआ था उसके पहले से मेरा रिश्ता जी के साथ है. तो पहले से मैं जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कभी जी से अलग नहीं हुआ हूँ, जी से ही हूँ. मेरी हमेशा फैमिली जी से रही है. सो दिस इज़ अ फिफ्थ जी रिश्ता अवार्ड फॉर मी. हालांकि जी रिश्ते का तो ये 25वां साल है बट मेरा 5वां साल है. तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि 25वें साल में मुझे मौका मिला यहाँ आने का. बहुत हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ. सो दैट्स ऑल. मैं तो वही कहूँगा जो ZTV में बैठ के कहता हूँ एज अ कोरियोग्राफर, दैट जी रिश्ते अवार्ड यू आर बूम फायर. थैंक यू, थैंक यू.